इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आपको इस तरीके से लिखा हुआ आ जाता है, आप जब सेटअप रिस्टोर करते हैं तो अपलाइन डायरेक्शंस रूल्स फिजिकल साइट्स, तो यहाँ पर कुछ फील्ड वगैरह इशू वगैरह हो जाता है, तो उस सिचुएशन में यहाँ पर हमें ये दिखा देते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए उस सिचुएशन में, जिस सिचुएशन में ये हमें यहाँ पर दिखाते हैं? तो वीडियो को आप पूरा देखिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। देखिए गाइस, सबसे पहले जब आप किसी फाइल को खोलें, ध्यान रखिए जो सी भी फाइल को आप खोल रहे हैं अपने पीसी के अंदर, वो ज़्यादातर जो है फर्स्ट पार्ट एंड सेटअप उसके अंदर सही ठीक होना चाहिए। ऐसे नहीं कि कोई सा भी सेटअप आप खोल लेंगे। उसके बाद मैं इसे खोलता हूँ, और खोलने के बाद बेसिकली इसको जो है यहाँ पर इतने सारे ऑप्शन आते हैं, तो सबसे पहले हमें इसको एक्सट्रैक्ट कर लेना होगा किसी अपने कंप्यूटर वगैरह में या किसी फोल्डर में। और मैं यहाँ से सीधा सेटअप ही इंस्टॉल कर रहा हूँ, लेकिन आपको सेटअप इंस्टॉल नहीं करना। पहले सबसे पहले इसमें फाइल्स वगैरह सब चीज़ चेक कर लेनी है कि फाइल्स पूरी हैं या नहीं हैं। और दूसरी चीज़ मैं यहाँ पर आपको बताऊँगा कि किन किन स्टेप्स को आपको फॉलो करना पड़ेगा इस प्रोसेस को करने के लिए। यहाँ पर जो हमारे सेटअप है ये जो है अभी एक्सट्रैक्टिंग पर है, उसके बाद हम इसको इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉल में कुछ चीज़ें यहाँ पर आपको कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे जिससे कि इस तरीके के एरर ना हो। और एक चीज़ मैं यहाँ पर आपको सही तरीके से बता दूँ कि फ़ाइल आपके पास पूरी होनी चाहिए और फाइल का डेटा भी पूरा होना चाहिए। अगर ऐसा होता है कि इन दोनों में से दिक्कत आती है, तो उसमें दिक्कत यहाँ पर आनी ही आनी होती है, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है, अब यहाँ पर जो एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं आप, ये जो है NTFS कार्ड के अंदर करिएगा या अपने कंप्यूटर के किसी के अंदर भी कर लीजिएगा। FAT32 का ड्राइव के अंदर कभी इंस्टॉल मत करिएगा, ठीक है? और कंप्यूटर में करें तो वो तो बहुत ही बढ़िया है। तो यहाँ पर पहले पूरा हो जाने देते हैं हम इसको। देखिए यहाँ पर ये सेटअप पूरा इंस्टॉल हो चुका है और अभी आगे बढ़ेगा। अब यहाँ पर हमें इसे ओके करना है, ठीक है? ओके करने के बाद यहाँ पर वो इस बंद कर देते हैं। अब यहाँ पर आपको जो है यहाँ पर स्टोरेज जो है वो तो अलाउ करनी पड़ेगी इसकी जो भी स्टोरेज हो, बट यहाँ पर आपको रैम भी होनी चाहिए। अब यहाँ पर हमने ड्राइव लगा रखी है एक, ठीक है, यहाँ पर USB ड्राइव। अब यहाँ पर इसे नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट करने के बाद इसे दोबारा नेक्स्ट करते हैं। देखिए अगर ये पूरा गेम होता है एंड आपके जहाँ पर ये आता है उसी जगह पर चला जाता है तो आराम से चल जाएगा। अदरवाइज़ जब हम इसे यहाँ पर ब्राउज कर रहे हैं तो अपनी जो USB ड्राइव है उसको सिलेक्ट कर ले रहे हैं, ठीक है? और गाइस, USB ड्राइव करने से पहले मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर स्टोरेज भी नहीं है मेरे पास, ठीक है? यहाँ पर ये खुद मना कर देगी कि स्टोरेज नहीं है, तो आप इसे रहने दीजिए। बट क्या करता हूँ मैं, फिर भी इसे यस पर टिक कर देता हूँ और या नो पर टिक कर देता हूँ, और ये जो है अपना आप ही इंस्टॉल होने लग जाएगी। थोड़ी बहुत डेटा वगैरह हो तो उसकी वजह से। अब ये बीच में होके क्या करेगी कि स्टोरेज वगैरह का इशू क्रिएट करके दिखा देगी हमें, तो फिर जो है हमारा गेम भी प्ले नहीं हो पाएगा एंड दिक्कत आपको आती रहेंगी। उस बीच में आप स्टोरेज पूरी रखिएगा, फाइल्स पूरी रखिएगा, तो आपको गेम के अंदर कोई दिक्कत देखने के लिए नहीं मिलेगी। अदरवाइज आपको गेम के अंदर दिक्कत ही दिक्कत देखने के लिए मिलती रहेगी। अब यहाँ पर ये पूरा होगा और उसके बाद यहाँ पर एरर आपको दिखा देगा, ठीक है? ये थोड़ा सा चलने के बाद एरर दिखाएगा क्योंकि एक्सट्रैक्टिंग हो रही है, जहाँ पर स्टोरेज नहीं है वहाँ पर एक्सट्रैक्टिंग हो रही है, तो इशू तो दिखाएगा ही दिखाएगा। और फिर वाला इशू आने के बाद, हम पैकिंग होने के बाद ही वो इसी तरीके से हमें सेम इशू दिखा देगा। तो वह इसी तरीके से आपको फिर फेस करा देगा। अगर यहाँ पर आपको एकदम साइड कट जाती है, मैंने तो स्क्रीनशॉट ले रखा है, वरना एकदम साइड कट जाती है आने के बाद, फिर वरना आपको इस तरीके से ही फेस करा देगा, ठीक है? और भी कई तरीके के इशू आएंगे, लेकिन ये भी आपके सामने आ जाएगा। तो ये प्रोसेस रहता है इसका सिंपल सा, आपको समझ में आ गया होगा। अगर देखिए समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।